गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है आप लोग को एक और नए व्लॉग में। तो आज है फ्राइडे, आज बहुत लेट करके उठा है, बहुत लेट मतलब 10 o'clock होने जा रहा है। तो आज आरू का छुट्टी है, पापा का ऑफिस है, लेकिन वो उधर रखी थी, मैं लंच बॉक्स बनाने वाली थी, फिर पापा ने बोला उसको नहीं चाहिए तो नहीं बनाना है। तो मैं डायरेक्ट लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे है सारा ग्रीनी लीफ, आज मेरे को ये सारा चीज़ें बनाना है क्योंकि खराब हो रहा है। यहाँ पे है एक ग्रीनी लीफ और ये भी है ग्रीनी लीफ, ये लेकिन खट्टा वाले। और ये करेला का कुछ एक रेसिपी बनाने वाला हूँ, इसका अलग सा वीडियो बनाऊंगी मैं, तो इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले ये दो चीज बनाते हैं, दो ग्रीनी लीफ, दाल, राइस, वो बनाऊंगी उसके बाद। ये जो वीडियो है, ये करेला का जो सब्जी का जो रेसिपी है वो मैं बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बाहर दिखा देती हूँ, आ जाओ। तो ये है कुछ बाहर का नज़ारा, आजकल एवरी डे बारिश आ रहा है शाम को। मैंने कल यहाँ पे पूरा कपड़ा सुखाया था, मैं आराम से सो के उठी, उसके बाद आके देखती हूँ भाई साहब मेरी जो कपड़े है सारे के सारे भीग चुके थे, पूरा पानी टपक रहा था भयंकर करके। फिर यहाँ पे नीचे ये सब लोग दौड़ रहे थे क्योंकि उन लोग ने जस्ट वो रास्ता बना के मतलब बैठा हुआ था, सब लोग कवर करने लगे, सारे के सारे धुल गए। और रात तक बारिश दिया इतना जोर जोर से, इतना जोर जोर सब तो धुल गया था बेचारे लोग, बार बार एक ही चीज़ वो लोग रिपीट कर करके काम कर रहे थे। बारिश आता है रुक थोड़ा सा हल्का हल्का होता है फिर अपना काम करने लग जाता है, ऐसा हो रहा था। मेरी बेटी स्केटिंग प्रैक्टिस कर रही है, वो आजकल बैलेंस करना सीख गई है। मैं आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा दूंगी, पहले किचन का काम करते हैं, घर का जो भी काम है, क्योंकि आज आरू बैठी है तो मतलब काम बहुत स्लो होने वाला है क्योंकि वो घर में रहने से कुछ ना कुछ करने के लिए बुलाते रहती है और कार्टून भी देखती रहती है। हाँ हाँ, वाह। तो चलिए काम को शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। New road is so beautiful. Yeah. Where is Papa? कहाँ चला गया? पापा कहाँ अटक गए? आराम से निकला है। पापा का कैब उधर आगे रुका हुआ है क्योंकि इधर वो रहा, वहाँ पे मिट्टी लगा रहे वो लोग पानी वो डालने के लिए। बी केयरफुल, बी केयरफुल।
पापा को सुनाई देगा इतना दूर से। तो पापा तो जा चुका है, मेरी काम जो है अभी तक जारी है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या बनाई हूँ अभी तक। यहाँ पे है दोनों ग्रीनी लीफ, ये रहा, ये है खट्टे वाले, ये रहा। ओ माय गॉड, इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्म है, एक हाथ से नहीं हो पाएगा। और मैंने बनाया है दाल, इसको करते हैं साइड। यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब मेसी हो गया है, मतलब करेला बनाने से पहले करेला रेसिपी गिर जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले ये सारा चीज़ें जो है ये क्लीन कर लेती हूँ। मैंने बनाए हैं दो ग्रीनी लीफ एंड दाल, और ना कल का सब्जी जो मिर्ची का अचार, बीन्स का अचार, ये सारा चीज़ें है, मतलब सारा चीज़ें वो मतलब रखी हूँ मैं। और ये करेला का जो वीडियो बनाने वाली हूँ, मैंने सोचा कल तो सैटरडे है, फिर हम लोग सब्जी लेने जाएंगे, तो बना लेती हूँ, रखे रखे भी कल तो फ्रेश सब्जी लेके आना ही है, उससे अच्छा मैं बना लेती हूँ, खा भी लेंगे। थोड़ा फ्रेश वाला जो सब्जी है वो तो कल का हो गया, थोड़ा बहुत कल का चिकन भी है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। तो ये सारा मेसी क्लीन कर लेती हूँ पहले, सबसे पहले। जितना ज़्यादा लेट करूँगी उतना ज़्यादा मेरी जो काम है वो लेट हो जाएगा, टाइम ज़्यादा होगा, तो उससे अच्छा है मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, फटाफट अपना जो हाथ है वो चला लेती हूँ ताकि मेरी जो काम है वो ख़त्म हो जाए। और बाद में मुझे दो दो वीडियो भी एडिट करना है, वीडियो एडिट करके रखूँगी तभी मैं रात को जल्दी सो पाती हूँ। आजकल मेरी वही रह रहा है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म करूँ, उसके बाद जल्दी एडिट करके मैं रात को जल्दी सो पाऊँ, नहीं तो मुझे बैठे रहना पड़ता है। उधर से बोल रही है कि नो जल्दी सोना, उसको सोना ही नहीं है। अब वो जो है इधर उधर खेलेगी, थोड़ा बहुत स्केटिंग कर रही है घर का अंदर, थोड़ा बहुत गिरती है उठना है, वो सब चलते रहेगा जब तक गिरेगी नहीं तो सीखेगी कैसे। तो चलो अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। देखो मेरी बेटी बैलेंसिंग करने सीख गई है, खुद ही अकेली लगा के पूरा घर अभी घूम सकती है, कोई ना कोई देखना पड़ता है। कल तो मैंने कॉरिडोर में करवाया था उसको, देखो शुक्र है कि मतलब बैलेंसिंग करने सीख गई है, पहले तो खड़े भी नहीं हो पाती थी तो हम लोग को पकड़ना पड़ता था उसको, बालकनी में प्रैक्टिस करवाते थे हम लोग, तो बालकनी में वो जो ग्रिल है वहाँ पे पकड़ के वो प्रैक्टिस करती थी। अभी देखो काफ़ी सुधार आया है बैलेंसिंग में, और बहुत जल्दी चलना भी सीख जाएगी, इस रूम से वहाँ, वहाँ से इधर, मतलब अभी क्या रॉबर्ट, वाह बड़ा क्यूट रॉबर्ट है, अरे बाप रे, देखो बी केयरफुल, बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी जल्दी जल्दी खत्म कर लेती हूँ, फिर फ्रेश
प्लम्बिंग और मॉपिंग हो चुका है, पूरा थक चुकी हूँ और बाहर वॉशिंग मशीन चल रहा है, तो मैं अभी फ्रेश अप होने के लिए जाऊंगी, उसके बाद हम लोग को लंच भी करना है, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से। ये रहा मेरी जो वॉशिंग मशीन है, यहाँ चल रहा है, ये धूल मिट्टी गिरते रहता है, तो और 31 मिनट बचा हुआ है, अब इसको होने देते हैं, तब तक मैं चलती हूँ फ्रेश अप होने के लिए। तो मैं फ्रेश अप होके आ चुकी हूँ, अभी देखो पूरा हेयर वॉश सब कर लिया है और बाहर निकल गया धूप, जस्ट अभी निकला है धूप क्योंकि थोड़ा हल्के हल्के बारिश हो रहा था, मैंने तो सोच लिया था आज का कपड़ा भी गया क्योंकि धूप निकलने का थोड़ा डाउट लग रहा था मुझे, लेकिन अभी पूरा कड़क धूप निकला है। अभी हम लोग दोनों माँ बेटी लंच करेंगे, फिर बाकी का जो काम है वो करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो हम लोग का लंच हो गया है, अभी रेस्ट करेंगे भी क्या बोलूँ मैं, मेरी जो काम है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बाहर वॉशिंग मशीन चल रहा है वो अभी तक और 15 मिनट बचा हुआ है। यहाँ मेरी बेटी को देख लो, रोबोट टिंग सच क्यूट रोबोट, इसको नहा दिया था मैं, पूरा स्केटिंग कर करके ये देखो पसीना फिर से, देखो क्या हो गया। तो फिलहाल तो वॉशिंग मशीन का वेट कर रही हूँ, वो होने के बाद ही मेरी जो काम है वो खत्म होगा। तो वेट करते हैं। एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।